हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्लू और वाइट कलर के मिक्स इयररिंग्स। तो आप देख रहे हो जैसा कि मैंने पहना है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। लेट्स गेट स्टार्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बुकरम, इसको कोरस कॉटन भी बोलते हैं। आपको मिल जाएगी ब्लू कलर के बीड्स, डार्क ब्लू कलर के बीड्स, और साथ साथ में हमें चाहिएंगे, इनको ड्रॉप्स बोलते हैं। दो टाइप के ड्रॉप्स हैं इसमें, छोटे और बड़े दोनों टाइप के ड्रॉप्स हैं। थ्रेड, सीजर और वाइट कलर के छोटे छोटे बीड्स एंड नेडल एंड थ्रेड। तो सबसे पहले हम वाइट कलर का पर्ल जो होता है उसको सेंटर में अटैच कर लेंगे। तो मैंने वाइट कलर का पर्ल अटैच कर लिया है। अब मैं स्केल से, मैंने इसके चारों ओर ना, मेरे को एक डायमंड शेप देनी है, तो उस हिसाब से मैंने चारों ओर स्केल से लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हम डार्क ब्लू कलर के जो बीड्स हैं वो लेते हैं। इन बीड्स से हमें जो पर्ल है ना उसके चारों ओर डायमंड शेप देनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने चार या पाँच बीड्स लिए हैं। आप अकॉर्डिंग जितना भी पर्ल आपका बड़ा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पांच लिए हैं, तो मैं जो मैंने लाइन स्ट्रो की है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगी। तो वहीं पे मैं अटैच करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे दोनों लाइनों के क्रॉस में डायमंड शेप मैं दे दूँ। तो आप देख रहे हो मैंने पहली लाइन बना दी है। सेम ऐसे ही मेरे को चारों लाइन्स बनानी है। तो मैं आगे भी पाँच बीट्स लूँगी और फिर नेक्स्ट लाइन मैंने बनाई है। पांच पांच बीट्स आप ले लेना। अगर आपको लगे कि कहीं पे चार की ज़रूरत है तो आप चार भी ले सकते हो, बाकी मोस्टली मैंने पांच लिए हैं। तो आप देख रहे हो कि ये बन गए। ये बीच में राउंड शेप का पर्ल था ना, इसीलिए अभी आपको परफेक्ट नहीं दिख रही है, लेकिन बाद में दिखेगी। अब मैं सेम वैसे ही ब्लू बीट्स लूँगी। ब्लू मैंने इससे थोड़े से बड़े लिए हैं। सेम जो ये लाइन्स मैंने ड्रॉ की हैं इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ब्लू बीट्स सेट करने की ट्राई करूँगी। तो आप देख रहे हो मैंने 7-8 अराउंड बीट्स लिए हैं ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरी लाइन की है। हमको चारों ओर करना है, यही पैटर्न फॉलो करना है। तो मैंने दो साइड ये बना दिए हैं। नेक्स्ट मैंने दोनों बना दिए हैं। तो आप देख रहे हो मैंने चारों साइड से लाइट ब्लू कलर का बना दिया है। अब मैं सेम यही वापस रिपीट करके एक सेकेंड लाइन भी लाइट ब्लू कलर के बीड्स लेके बनाऊंगी। तो आप देख रहे हो, उससे पहले ना अगर आप जो भी लाइन ड्रॉ करो ना उनको एक साइड से थ्रेड ले जाके दूसरी साइड पर थ्रेड ले जाना, उससे वो अटैच हो जाएंगे अच्छे से और ये लूज नहीं दिखाई देंगे। इसलिए हमेशा जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम ये चीज़ ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आप देख रहे हो मैंने एक बार ब्लू लाइन से ये कर दिया। सेम ऐसे ही मैं सेकंड राउंड ले रही हूँ। सेम यही डायमंड शेप देके मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमने लाइन्स ड्रॉ किए हैं उन्हीं के बीच में हम बीट्स लगाएं, इसी से हमारी शेप जो है वो अच्छी आएगी। तो सेकेंड भी मैंने कम्प्लीट कर दिया है। अब मैं थर्ड लाइन बनाऊँगी, सेम यही वाले बीट्स लेके मैंने कंप्लीट कर दी है। अब फोर्थ लाइन भी बनाऊंगी। अगर आपको मतलब कि जितना बड़ा इयर रिंग्स चाहिए ना आप उस हिसाब से लाइंस कर सकते हो। मेरे को इतना चाहिए था इसीलिए मैंने चार लाइन बनाई है। आपको और बड़ी शेप चाहिए तो आप पांच बना सकते हो। गाइज, मार्केट में इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी मिलती है, इसकी जगह हम अपनी ज्वेलरी तो बना ही सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमें डिज़ाइन पसंद है। और मेरे को बनाने में ये ऑलमोस्ट शायद 1 आवर में मैंने दोनों पेयर बना लिए थे। तो इतना ही टाइम लगता है, इतना मुश्किल नहीं है। आप एक बार बनाने लग जाओगे तो सेम डिज़ाइन देख के पैटर्न फॉलो करना है हमें, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने चारों लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, आप देख रहे हो, और मैं इनको वापस एक साइड से थ्रेड ले जाके दूसरी साइड करूँगी, उससे ये अटैच हो जाएंगे अच्छे से। इसके बाद मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है। डार्क ब्लू कलर से मैं इसके चारों ओर सेम वैसे ही पैटर्न रिपीट करने वाली हूँ और सेम वैसे ही इसको अटैच करूँगी ताकि ये लूज ना हो। आप देख रहे हो मैंने ऑलमोस्ट सेकेंड लाइन में अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। आप ना दोनों लाइंस के बीच का ही बस रेशियो देखना कि हाँ हमारे जो हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हम चलें, बाकी बीट्स किसी के ज़्यादा कम हो सकते हैं। इसके बाद ही मैंने वाइट कलर के बीट्स लिए हैं, इससे एक लाइन में बनाऊंगी। तो मैं एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने ब्लू लाइन बनाई है उसके साइड में मैंने एक वाइट लाइन ड्रॉ कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो, मुझे ये वाले कलर्स अच्छे लगे इसीलिए मैंने इनमें बनाया है। बाकी आप कोई भी अपने जो भी आपको पसंद हो उस कलर में ज्वेलरी बना सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट वाइट वाला कंप्लीट कर दिया। मेरी फोर्थ लाइन लास्ट लाइन है, ये भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद मैं एक लाइन और बनाऊंगी जिससे आपके देखना इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी लगेगी। तो मैंने ब्लू वाली लाइन एक और ले ली है, तो मैं इसको अटैच कर रही हूँ। वैसे ही आपको अच्छे से अटैच करना है इसको ताकि इसके जो बीट्स हैं वो इधर उधर ना हो। आप कोई भी लेयर दो बार भी ले सकते हो। मैं जैसे मैंने सिंगल वाइट लिया ना, आप डबल भी ले सकते हो, वाइट डबल ब्लू ले सकते हो, डार्क ब्लू ले सकते हो। जितना बड़ा आपको इयर रिंग चाहिए आप उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ले सकते हो। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे टॉप पे हमें जहाँ पे अपने कान का जो स्टॉपर बनाते हैं ना, वो वाला पार्ट करना है। तो मैंने डार्क ब्लू कलर से लिए, मैंने 20-30 अराउंड्स लिए हैं। आप ये भी अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहते हो ले सकते हो। अभी मैंने इसको अटैच नहीं किया है, उससे पहले इसमें मैंने बीच में एक पर्ल लगाया है। उसके बाद मैं ब्लू कलर के बीड्स लेके इसके चारों ओर मैंने लगाए हैं। सेम यही ब्लू कलर के मैं वापस लगाऊंगी। मैंने अटैच इसलिए पहले नहीं किया है क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो मैं पहले अब सेकंड वाला जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो कंप्लीट करूंगी अपनी। उसके बाद मैं ब्लू और डार्क ब्लू दोनों लाइनों को साथ में अटैच करूंगी। अगर मैं पहले ही डार्क ब्लू कलर को अटैच कर देती ना, तो वो फिनिशिंग इतना राउंड शेप की नहीं आती, इसलिए मैंने अटैच नहीं किया था। ऑलमोस्ट पार्ट हमने बना लिया है, अब हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। आप अच्छे से कट करना ताकि शेप ना बिगड़े इसके। तो आप देख रहे हो कि ये कट करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम ड्रॉप्स लेंगे, बड़ी वाली ड्रॉप्स और छोटी वाली ड्रॉप्स, दोनों टाइप की ड्रॉप्स लेंगे। ड्रॉप्स को मैं क्या करूंगी, जो मैंने डायमंड शेप बनाया है उस अकॉर्डिंग चारों ओर मैं एक एक बड़ी वाली ड्रॉप्स लगाऊंगी। मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख रहे हो मैंने सेम ऐसे ही करके चारों ओर मैंने ड्रॉप्स लगा दिए हैं, जो बड़ी वाली ड्रॉप्स हैं वो वाली। अब जो छोटी वाली ड्रॉप्स हैं, वो इन दो बड़ी वाली ड्रॉप्स के बीच में मैं दो दो करके लगाऊंगी। तो इन दोनों के बीच में मैं लगा रही हूँ। तो मैंने सब में लगा दी थी, दो दो लगाई है मैंने छोटी वाली ड्रॉप्स। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, अब इससे पूरा लुक ही चेंज हो गया इसका। अब हमारा लास्ट पार्ट रहा है, हमें लटकन लगानी है। मैंने इस शेप में लटकन ली है, आप चाहो तो और लंबी लटकन भी बना सकते हो, पर मैंने इतनी ही ली है क्योंकि इयररिंग हमारा वैसे ही बहुत बड़ा हमने बनाया है, तो और ज़्यादा लंबी लटकन करने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। तो मैंने दो ड्रॉप्स ली हैं और तीन बीड्स ली हैं, एक लास्ट वाला बीड छोड़ के बाकी सब में धागा मैं वापस लेके इस हिसाब से बीड्स बनाऊंगी। तो आप देख रहे हो मैंने पहली लटकन बना दी है, ऐसे ही मैं ये सारी लटकन बनाऊंगी। मैंने एक बड़ी लटकन एक छोटी लटकन बनाई है, मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा। सेम प्रोसेस मैं इस साइड भी रिपीट करूंगी। लटकन बनाना बहुत ही ईजी है, आप फटाफट बना लोगे इसको। तो मैंने, आप देख रहे हो मैंने सारी दोनों साइड ही लटकन बना दी है। तो अब ये इसका ना लुक ही चेंज हो गया है। अब इसके बाद ये फैब्रिक ग्लू आता है, हम ये लेंगे और इसको ना इयररिंग पोस्ट बोलते हैं या फिर इयररिंग स्टॉपर, आप कुछ भी शॉप पे बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको ग्लू की हेल्प से इसको यहाँ पे चिपका दूंगी। तो ऑलमोस्ट हमारा इयररिंग कंप्लीट हो चुका है। मुझे 1 आवर लगे थे दोनों इयररिंग बनाने में। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।